आइए हम जानकारी लेते हैं कि जो आज जो ये मेट्रो की पार्किंग है, ये पूरी पार्किंग शिक्षा मित्रों ने इस कदर भर दी है कि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं, खड़े होने के लिए जगह नहीं। ये सामने जो मैं स्टेज दिखा रहा हूँ, ये शिक्षा मित्रों का स्टेज है और पूरा रोड इस तरीके से जाम कर दिया। पूरी दिल्ली के चक्के चप्पे चप्पे पे शिक्षा मित्र दिखाई दे रहे हैं। आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं इनकी क्या मांगे हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम नीतू है, मैं जिला बिजनौर से हूँ। मैडम आप यहाँ स्कूल के अंदर आपको बच्चे पढ़ाने चाहिए थे या आपको अपने घर के अंदर रहना चाहिए था? आज दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन? आज हम 17 सालों से लगातार विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और शायद सरकार को इतना दुख नहीं होने का जितना उन बच्चों को, जिन्हें हम पढ़ाने वाले बच्चों को स्कूलों में छोड़कर यहाँ धरना दे रहे हैं। हमारी कितनी मजबूरी, लेकिन हम इतने ये बताइए, इतनी महंगाई के उसमें 10,000 हमारा मानदेय कर दिया। हमारी 40,000 सैलरी थी, क्या 17,000 से हमने एक तुच्छ मानदेय पे 3500 रुपए पे कार्य किया? इतना सहयोग करा सरकार का, अपने प्रदेश की तरक्की के लिए इतना कुछ बलिदान दिया हमने, उसके बावजूद भी आज हमारी योग्य स्थिति आ गई है। बताइए 10,000 में क्या होता है? और फिर रही है बात हमारे मान और सम्मान की, जब हम समान कार्य करते हैं तो हम समान वेतन की मांग करने आए हैं यहाँ। ऐसी बात नहीं है, मुझे 17 साल पढ़ाता होगा और 17 साल से लगातार सारे रजिस्टर वर्क और दो दो क्लास पढ़ा रही हूँ मैं लगातार। 17 साल से दो क्लास रहती हैं मेरे पास में और 150-200 तक बच्चे मेरे विद्यालय में रहते हैं, जहाँ दो दो शिक्षा मित्र स्कूल संभाल रहे हैं। आज हमारी मजबूरी है, हम खुशी से नहीं आए हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे घरों में रो रहे हैं, वे फ़ोन कर कर को पूछ रहे हैं कि मम्मी आप कहाँ क्यों आ रही हैं, क्या आ रही हैं। लेकिन आज हम जब यूपी सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम यहाँ आर पार की लड़ाई करने आए हैं। हमें आयोग के बताते हैं, एक बात बताइए, मैं इस पूरे समाज से और मीडिया से और हर एक मंत्री से ये पूछना चाहती हूँ, हम स्नातक हैं तभी तो हमें BTC कराई गई, तो हम फिर अयोग्य कहाँ से हो गए? हमें ये बात समझ में नहीं आती। भाई रही बात टेट की, हमारे ऐसी बात नहीं, 45,000 के करीब लोग टेट भी हैं, क्या उन्हें समान वेतन समान कार्य दे दिया? और दूसरी बात ये रही, टेट हम पे ही लागू क्यों हो गए? 2010 से पहले हैं हम लोग, भले से एज ए शिक्षा मित्र थे हम, लेकिन कार्य तो हम पढ़ाने का कर रहे थे। अगर सरकार हमें 10,000 पर भेज रही है तो आपसे मैं ये मीडिया के द्वारा कहना चाहती हूँ, क्या 10,000 पर हम पानी पिलाना जाएंगे, स्कूल में घास खोदना जाएंगे? काम तो हम वही करेंगे। बताइए जनगणना, BLO का कार्य, आर्थिक गणना का कार्य, कुछ चुनाव का कार्य कौन सा हमने नहीं करा? आज अगर यूपी में भाजपा की सरकार बनी हुई है तो उस भाजपा के लिए भी हम स्कूलों से सब ड्यूटी देने गए। एक अगर हम अयोग्य थे तो हमें ड्यूटी सेंटरों पर भेजा क्यों गया? हम ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम नहीं जानते, लेकिन सरकार हमारा हल काल सकती है। हम भी जानते हैं बहुत से सुप्रीम कोर्ट के ऐसे निर्णय हैं कि अयोग्य व्यक्ति चुनाव भी नहीं लड़ सकता। हम देखते हैं मर्डर कर दिया, जिसने कत्ल कर दिया और लाखों केस चले पड़े हैं, हम पे तो वो सब नहीं है। क्या हमारी 17 साल की तपस्या का यो फल मिलना था हमें? हमारा अब धैर्य बिल्कुल जवाब दे रहा है और हम यहाँ आए हैं आर पार की लड़ाई के मोड़ में। मैडम आपके आंखों में आंसू देखने में आ रहे हैं और ये इस समय बहुत ही गंभीर समस्या है कि आप लोग यहाँ जंतर मंतर पर आए हैं, तो आपकी क्या मांग है, किन मांगों को लेकर आए हैं? सबसे पहले तो हमें हमारा मान सम्मान चाहिए जो हमारा खो गया। हम अपने घरों में या गांव में या विद्यालय में हम अपने शिक्षकों के साथ मुँह दिखाने लायक नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने हमारे ऊपर जो है अयोग्य का ठप्पा लगा दिया। अब लगाइए बताइए कि हम अयोग्य हैं तो क्या वो शिक्षक हमें योग्य मान लेंगे? जिनके साथ हम 10,000 रुपये में पढ़ाएंगे वो भी हमें योग्य मानते हैं? हम जानते हैं जिस दिन से 25 तारीख से हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, विद्यालयों में जो शिक्षकों की स्थिति है वो हमारे प्रति क्या है, हम उस चीज़ को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। हमें हमारा मान सम्मान चाहिए और हमें हमारा पूरा मतलब जो हमारा हक है, जो हमारे 17 साल की तपस्या है, वो हमें पूरी बाकायदा वैसी ही चाहिए। हमें हमारा मान सम्मान चाहिए, चाहे उसके लिए हमें अपनी जिंदगी जो है दांव पर लगानी पड़े, हम सब तरीके से तैयार हैं। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, ये पूछना चाहती हूँ अपनी सरकार से, 17 साल से हमारा कार्य बताओ, हम कर क्या रहे थे? 17 साल से भी तो पढ़ा ही रहे थे, अब 10,000 मानदेय पर भेज रहे हैं हमें, हम भी तो भी तो पढ़ा रहे हैं। हमारा ये है अयोग्य कहाँ से हो गए भी, ये समझ में नहीं आता। जब स्नातक हैं, BTC है, एक टेट का ही तो मसला था, उसे भी तो सरकार समस्या हल आराम से कर सकती थी। हमारे साथ इतना अन्याय हुआ, तो कहाँ का न्याय है ये कि किसी ने 17 साल हमारा सुनहरे भविष्य बिल्कुल निकल गया, जब हमारा चयन होकर आया था, जब हमारा चयन, हम भी तो गांव के टॉपर थे, आज भी वो रिकॉर्ड हमारे विद्यालयों में उपस्थित है।
जी जितने भी फार्म भरवाए जाते थे उनमें टॉपर हम गए। क्या हमारी 17 साल की शिक्षा में गुणवत्ता नहीं थी या हमने कोई कार्य नहीं किया? तो जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं और जो बच्चे भी हमारे पढ़ाए हुए हैं उनकी सारी डिग्री, अगर हम अयोग्य तो वे भी अयोग्य हो गए हमारे पढ़ाए, उनकी सारी डिग्री रद्द करो। 17 साल से वो इंटर करने के बाद मुझे लगे कोई ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे पढ़ाए हुए हैं वो जॉब में लग गए होंगे, तो क्या वो सारे अयोग्य हो गए जो हमारे पढ़ाए हुए 17 साल से? अब तुम लगा लो 6 साल का बच्चा एडमिशन लेता है, वो अब 17 साल जब हमारे साथ पढ़ के गया तो वो भी अयोग्य हो गया, वो भी किसी जॉब में चला गया, शायद किसी फोर्स में चला गया होगा या किसी उसमें चला गया, वो भी अयोग्य हो गया। हम मतलब अब ये सरकार ने हमें क्या करा, 10,000 रुपए दिए हैं, अब हम 10,000 रुपए में स्कूलों में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे तो क्या अब हम अयोग्य नहीं है? आपने क्या नाम बताया? गीतिका चौधरी, बिजनौर से। गीतिका चौधरी, जिस समय नेता वोट मांगने आते हैं और आश्वासन देते हैं उस आश्वासन के तहत जनता बहक जाती है, और अभी एक साथी ने बताया है कि जब वाराणसी के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी गए थे कि हम शिक्षा मित्रों का जो एक फाइल लगी हुई है उस पर हमल करेंगे, तो उसके उस संदर्भ में क्या कहेंगे आप? उस संदर्भ में हम ये कहेंगे जब मोदी जी को हमारा सहयोग नहीं करना था और हमारी समस्या का हल नहीं करना था तो उन्होंने हमें बेवकूफ क्यों बनाया? लगभग हमारे 80% शिक्षा मित्रों ने मोदी को वोट दिया और आज वही है हमारे शिक्षा मित्रों की भूल और कमल का फूल, ये हमारे साथ में हो रहा है। हमें जो है सपा का गुंडा बता रहे, अरे हम किसी के नहीं है, हम तो उसके हैं जो हमारी समस्या का समाधान करता है, जो हमारा हल करता है। ये गलत बात है, अगर उन्होंने वादा करा था वाराणसी में हमारी समस्या का हल करने का तो ये वादा करा था कि तुम लखनऊ में धरना दो, जंतर मंतर पर धरना दो और यहाँ दो और वहाँ दो। हमें पता है उन बच्चों से कितना लगाव है हमें, जो हम विद्यालय में जिन्हें छोड़ छोड़ कर आए उन्हें 15-15 दिन के कार्य बता का है। मैं ये कर लेना बेटा इतने अनुपस्थित दिनों में, हमारे बच्चों को नहीं पता हमें 10 मिल रहे हैं, 12 मिल रहे हैं या क्या मिल रहे हैं। वो तो हमें एक एज ए टीचर मानते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, सब कुछ करते हैं। बताइए हम मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि समस्या का इसका समाधान ही नहीं है सरकार के पास में। मैं तो हाथ जोड़ के सरकार ये कह दे, मोदी जी ये कह दे कि हमारे पास आपकी समस्या का समाधान नहीं है। मतलब मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और आज बेटी ये जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही है। जी सर, तो यही तो है उनका बचाने का कि मतलब हमारी भी बेटियां हैं, हमारे भी बच्चे हैं, वो हमारी बेटी भी परेशान है घर पे और हम भी यहाँ परेशान हैं। तो उनका जो ध्येय है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ तो रहे हैं हम पढ़ रहे हैं सर, यही तो पढ़ना है। अब क्या करना है हमें, ये देखना है कि हम कितने अयोग्य हैं और कितने योग्य हैं, यही दिखाया है हमें मोदी जी ने। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से बस इतना कहती हूँ कि जो उन्होंने ये संकल्प लिया है कि बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का, तो यहाँ इस धरने प्रदर्शन में इतनी सारी बेटियाँ हैं, कम से कम उन्हें बचाकर तो देखें किस तरीके से बचाई जाती हैं। तो क्या ये बचाना है उनका? अगर ये उनका है कि इस तरीके से बेटियाँ बचाई और पढ़ाई जाती हैं, तो मैं माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री से ये कहना चाहती हूँ कि वो अपना इस संकल्प को वापस कर ले, क्योंकि इस तरीके से ना तो बेटियाँ पढ़ाई जा सकती हैं और ना बचाई जा सकती हैं। वही रोड पे बैठकर ये खाना खा रहे हैं, इस देश की क्या दुर्दशा हो गई है।